डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल। आज यहाँ पर आने का उद्देश्य मुख्य कारण क्या है? मुख्य विषय आज हमारा ये है कि माँ काली का विश्व माता मंदिर इसका निर्माण हो रहा है। ये स्थान है एयरपोर्ट के पूजा और मंदिर पहले से है उसका पुनरुद्धार। हमारे इस आश्रम का नाम है ठाकुर श्री श्री समीर ब्रह्मचारी विश्व सेवाश्रम संघ। ठाकुर श्री श्री समीर ब्रह्मचारी ये इसकी स्थापना है और अभी ये मंदिर का निर्माण जो है आपको औपचारिक रूप से 18 दिसंबर को हमारे महामहिम राज्यपाल श्री कृष्णा जी की पार्टी वो इसका उद्घाटन करेगी। ठीक है, इसमें कुल कितनी लागत आ रही है? मंदिर बनाने में कुल कितने लागत आ रही है? मंदिर तो एक प्रोजेक्ट है किंतु ये पूरा इसका प्रकल्प है वो काफ़ी बड़ा है क्योंकि वहाँ पर स्कूल भी चल रही है और हॉस्पिटल भी चल रहा है। तो प्रोजेक्ट तो ऐसे काफ़ी लंबा है, सिर्फ मंदिर बनाने में 5-6 करोड़ रुपया लगेगा। कुल कितने एकड़ में फैली हुई है? लगभग 2 एकड़ समझिए, लगभग 2 एकड़। हाँ, और ये जो आपने ये जो लिया है यहाँ पर इस मंदिर के साथ साथ में आप लोग और क्या क्या काम करेंगे यहाँ पर मंदिर बनाने के अलावा? प्राइमरी स्कूल तो चल रही है ऑलरेडी और एक दाता विद्यालय है चिकित्सालय। अभी जो छोटे रूप में है लोग प्राइमरी स्कूल चल रही है उनके भी साल से चल रहा है और दाता विद्यालय भी काफ़ी दिन से चल रहा है। प्लस वहाँ पर जो है गरीबों को बीच में जो है भंडारा लगता है, खाना लगता है और तरह तरह के अनुष्ठान बराबर होते हैं। धार्मिक अनुष्ठान सामाजिक में क्या होती है? सामाजिक सामाजिक के अंदर एजुकेशन में है, एजुकेशन में हेल्प है। हाँ, और जो जो गरीब लड़कियाँ हैं कन्याओं की शादी के लिए मदद की जाती है और भी पॉवर्टी एलिवेशन के लिए गरीबों के लिए कई रकम का काम किया। मेडिकल स्कैम होता है, मेडिकल 5 लाख लोग को ट्रीटमेंट दी। अच्छा, उत्सव कब कब आप लोग करते हैं यहाँ पर? काली का जैसे आपका दीपावली में होता है आपका चैत्र दुर्गा पूजा ये तुम्हारी पूजा ये आप लोग उस समय उत्सव करते हैं बड़े रूप से? मतलब उत्सव को महीने में 5-6 उत्सव होते हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। ये जितने भी अपने धार्मिक अनुष्ठान जो हैं चाहे वो सरस्वती पूजा हो, शिवरात्रि पूजा हो, काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, ये इत्यादि तो होते हैं। रामनवमी जो उत्सव पर होता है हर सीजन पर ही जो है धार्मिक कार्यक्रम होता है। इसके अलावा ठाकुर हर रविवार को वहाँ पर एक धर्मी सभा करते हैं तो आसपास के काफ़ी लोग आते हैं और सोमवार को गायत्री यज्ञ होता है, हरि कीर्तन होता है। रोजाना ही कुछ न कुछ कार्यक्रम माध्यम से होते हैं। लोकहिताय आत्मा मुक्ति शब्द लोकहिताय अर्थात मानुषिक যেরকম দেহের ভজন দরকার, দেহ রাখতে ভজন দরকার, মনের শান্তির জন্য সেরকম আমরা ভজন শান্তি ধর্মীয় পাঠ করি।